हेलो गाइस, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। तो आज हम आपके सामने अनबॉक्सिंग करने वाले हैं ट्राइपॉड, जो कि एक 12 इंची ट्राइपॉड है, ब्लू सीड BBD 19 कंपनी का है, और जिसकी जो लेंथ है वो 340 mm है, पोर्टेबल फ्लेक्सिबल है। तो आज हम आपको आपके सामने ये करने वाले, अगर आप कोई यूट्यूबर हैं, आपका कोई छोटा मोटा यूट्यूब चैनल है और आपको फेसिंग करने में प्रॉब्लम आती है, आप फ़ोन को इधर उधर रख के अगर करते हैं, वीडियो बनाते हैं, वीडियो शूट करते हैं, तो आपके लिए ये ट्राइपॉड बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। तो आइए चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम इस करने जा रहे हैं इस तरह से। अभी ये बिल है इसका, इस बिल को इसी में चिपका रहने देते हैं, इसको बाद में भी हटा लेंगे। ये अभी यहाँ पे भी इसमें टेप लगी हुई है, ये भी अभी हमें कट करनी पड़ेगी, ये हमने इधर से भी कट कर लिया। और कोशिश करें आप जब बॉक्स जब भी ओपन करें तो उसको थोड़ा ध्यान से करें, हो सकता है कि इसके अंदर कुछ ऐसे पार्ट हों जो टूट ना जाए। तो ये आपके सामने ट्राइपॉड आ चुका है। तो अब हम इसको देखते हैं इसके अंदर क्या क्या निकलने वाला है। ये ट्राइपॉड है और ये इसका मोबाइल होल्डर है। तो हम पहले मोबाइल होल्डर को ही देखते हैं, मोबाइल होल्डर में क्या क्या निकलता है। ये मोबाइल होल्डर खुल चुका है। तो मोबाइल होल्डर काफी अच्छा है, इसकी जो ग्रिप है वो भी काफी अच्छी है। अगर मैं इसमें फोन को एक बार लगा के देखता हूँ तो फ़ोन भी ठीक ठाक माउंट हो रहा है, और आप देख सकते हैं इस तरह से कितना भी आप फ़ोन को हिला लीजिए ये गिरने वाला भी नहीं है, ये गिरने वाला भी नहीं है इस तरह से। तो अब हम देखते हैं ट्राइपॉड को। ये हमने ट्राइपॉड ओपन किया, तो अभी ये हमारे सामने ओपन हो चुका है। तो अगर हम इसको जो इसकी जो लेग्स हैं, अगर इसको ज़्यादा आपको चौड़ा करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, इसके यहाँ पे एक मोड़ दिया हुआ है, इसको आपको ऐसे करना होगा सर, ये जो आप देख पा रहे हैं इस तरह से। अगर आपको कम खोलना है लेगों को तो इस वाले पे आप कर देंगे। तो इस पे करने के बाद ये इस तरह से ओपन हो जाएगा, जैसा कि आपको इस वीडियो में दिख पा रहा है। और अगर हम इस होल्डर की बात करते हैं तो अब हम इसके होल्डर को इस पे माउंट कर लेते हैं। तो देखिए इसके होल्डर को माउंट करते हैं एक बार। तो इस तरह से ये होल्डर माउंट हो चुका है। इस होल्डर को आप किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं इस तरह से, और ये जो इसका ये जो बोल टाइप का जो ये है, इसको भी इस तरह से किसी भी डायरेक्शन में आप मूव कर सकते हैं। अगर आपको ये कहीं पे जैसे रोकना है, मान के चलो आपको यहाँ पे रोकना है इस डायरेक्शन में, तो आप इसको यहाँ से टाइटन कर दीजिए इस नट को, तो अब ये इसी डायरेक्शन में रुक जाएगा। और मान के चलो आपको कोई हॉरिजॉन्टल वीडियो बनानी है तो आप इस तरह से इस डायरेक्शन में भी रख सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको एक बार देख लेते हैं इसके ऊपर मोबाइल माउंट करके। तो हमने जैसे ये मोबाइल इसके ऊपर माउंट किया, मोबाइल माउंट करने के बाद अब हम इसको जैसे मान के चलो हमें कोई हॉरिजॉन्टल मूव हॉरिजॉन्टल कोई वीडियो शूट करनी है तो आप इस तरह से इसको माउंट कर सकते हैं। ये देखिए ये इस तरह से माउंट हो जाता है। अब आप इजीली कोई हॉरिजॉन्टल वीडियो शूट कर सकते हैं। अगर आपको वर्टिकल करना है तो आप इसको यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं, इसको यहाँ पे ऐसे रोक दीजिए और पीछे से इस नट को यहाँ से ऐसे टाइट कर दीजिए, तो ये इस तरह से माउंट हो गया। अब आप किसी भी तरह से फ्रंट कैमरे से, बैक कैमरे से, कोई से भी कैमरे से आप वीडियो शूट कर सकते हैं, और इसको यहाँ पे ऐसे भी लगा सकते हैं। और इसका एक मूव और है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान के चलो आप यहाँ पे नहीं इसको माउंट करना चाहते और थोड़ा सा ऊंचाई फालतू रखना चाहते हैं, तो इसको यहाँ पे भी आप ऐसे लगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि इसकी थोड़ी सी और ऊंचाई बढ़ जाएगी, और आप अपने फोन को इसमें इस तरह से माउंट कर सकते हैं। अब जब फोन को इस तरह से माउंट कर देंगे तो इसको यहाँ पे
आपने टाइटन कर दिया, अब आप इजीली कोई भी वीडियो शूट कर सकते हैं। ये देखिए, अब मैंने इसको यहाँ पे टाइटन कर दिया है और आप आराम से वीडियो शूट कर सकते हैं। अगर मान के चलो आप कहीं पे जा रहे हैं और व्लॉगिंग करना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह से मोड़ सकते हैं, इस तरह से आप मोड़ सकते हैं, और इस तरह से आप अपने फेस के पास भी इसको लेके आ सकते हैं इस तरह से। तो देख सकते हैं आप, लगभग 12 इंच का ट्राइपॉड है, 1 फुट ट्राइपॉड है, तो ये इस तरह से वीडियो बन जाती है। आप इस तरह से व्लॉगिंग कर सकते हैं, आप इस तरह से देख सकते हैं इस वीडियो में। जो इसमें मेरे को थोड़ा सा डाउटफुल लगा वो ये कि जो इसका मोबाइल होल्डर है वो थोड़ा सा मेरे को लूजन लग रहा है। हालांकि आप इसको लेके भाग नहीं सकते, वैसे इजिली आप किसी भी डायरेक्शन में इस तरह से कर सकते हैं, ये कहीं जाने वाला नहीं है। तो अगर आप छोटे मोटे वीडियो शूटर हैं तो अच्छा है, आपका वीडियो ग्रो करे, और आप कोई भी किसी भी तरह की वीडियो शूट करना चाहते हैं तो इस तरह का कोई ट्राइपॉड है वो यूज कर सकते हैं। और इसकी अगर मैं कीमत की बात करता हूँ इस ट्राइपॉड की, तो ये लगभग 400 रुपए के आसपास आपको विद डिलीवरी आ जाता है ये आपके घर पे ही। और ये जो मैंने मंगाया है ये फ्लिपकार्ट से मंगाया है, ये मैंने 2 दिन पहले ऑर्डर किया था और फ्लिपकार्ट से मैंने ये मंगाया था। तो आप भी कंटिन्यू करिए अपनी वीडियो को, अपने चैनल को आगे बढ़ाइए, और इस तरह का आप कोई भी एसोसिटीज ले सकते हैं जिससे आपका चैनल भी ग्रो करेगा, आपकी वीडियो में भी इम्प्रूवमेंट आएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।